अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कट इट शॉर्ट। आज हम PSY 502 का लेसन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। 7 और 8 आपस में इंटरलिंक्ड हैं और ये लेक्चर है हमारे पास एसोसिएशनिस्ट के बारे में। ठीक है, हमने ग्रीक थिंकर्स पढ़ लिए, हमने जो है वो स्पेसिफिक टाइप करके, और उसमें हमने दो तीन लोगों को इस तरह हम पढ़ते रहे हैं पहले भी, कि जो हमारे पास डार्क एज आया, जो हमारे पास रेजोनेंस आया, उसमें कौन कौन से लोग हैं, हमने इस तरह इन लोगों को पढ़ा है और याद किया है। ठीक है, हम कोशिश करूँगी कि मैं एक ऐसी वीडियो प्लान करूँ जिसमें हम इनका एक क्विक रिव्यू कर लें, ताकि आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से माइंड में बैठ जाएं और याद हो जाएं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। चलें जी, लेसन को शुरू करते हैं। अच्छा ठीक है, हमने एसोसिएशनिस्ट का नाम हम पहले भी इस लेक्चर में इस सब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं। एसोसिएशनिस्ट वो लोग होते हैं जो कि इस कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं कि इंसान चीज़ों को एक दूसरे से एसोसिएट करके, एक दूसरे से आपस में मिला कर याद रखता है, और इसी तरह उसके आइडियाज़ जो है वो जन्म लेते हैं, क्योंकि वो एसोसिएशन की बेस पर चलता है। ठीक है, ये हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, लेक्चर 2 था या 3 था, जिसमें हमारे पास अरिस्टू ने हमें कॉन्सेप्ट दिया है एसोसिएशन का। अगर आपको याद हो कि इंसान सिमिलैरिटी, कंटिग्विटी और कॉन्ट्रास्ट, इन तीन बेसिस पे अपने चीज़ों को याद रखता है, और इन पे ही लाइफ का साइकिल और उसके थिंकिंग का साइकिल डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो आप कह सकते हैं कि फादर ऑफ एसोसिएशनिस्ट से। अच्छा जी, एसोसिएशनिस्ट का आई गेस कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, हम आगे चलते हैं। एसोसिएशनिस्ट आर गिवन दिस नेम बिकॉज दे बिलीव्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएशन मैं आपको बता चुकी हूँ कि चीज़ों को एक दूसरे से कंट्रास्ट की बेस पे या सिमिलैरिटी की बेस पे या कंटिग्विटी की बेस पर आपस में मिला देना, उनमें एक नस्बत बनाना, ये आपके पास होता है एसोसिएशन। ठीक है, इसमें हमारे पास आएंगी 3 से 4 पर्सनैलिटीज आएंगे। सबसे पहले हैं हमारे पास थॉमस हॉब्स। ठीक है, थॉमस हॉब्स जो है वो हैं, इनकी पैदाइश का टाइम पीरियड जो है वो ये है 5th अप्रैल 1588 एडी से 4th दिसंबर 1679 तक का। ठीक है जी, इंग्लैंड के ये रहने वाले हैं। आगे हम देखते हैं कि ये एक फिलोसोफर भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, और इन्होंने एक किताब लिखी है लिविथन। ठीक है, आप एक काम कर लीजिए, आपके लिए आसानी हो जाएगी, कि जितने भी अभी तक हमने पढ़े हैं, डिफरेंट नेम्स पढ़े हैं, उसमें से हमारे पास काफ़ी सारों के साथ नाम में आता है कि इन्होंने बुक लिखी। ठीक है, उनके इंट्रोडक्शन में, तो आप लोग एक पेज पर राइट डाउन कर लें कि किस ऑथर ने, मतलब कौन सी पर्सनालिटी जो हमने पढ़ी है उसने कौन सी बुक लिखी है, क्योंकि ये बुक के क्वेश्चंस अक्सर आपको पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज में आपका क्विज भी आगे ड्यू है, तो उसमें ये आपको हेल्प करेगा कि आपको मिक्स नहीं होगा, आप अलग-अलग देख लेंगे कि किस बुक का ऑथर कौन सा है। ठीक है जी, हम आगे चलते हैं। ये थॉमस हॉब्स की थोड़ी सी उन्होंने हमें बैकग्राउंड बताया है, वो मैं आपको बता देती हूँ। ऑक्सफोर्ड से ये पढ़े हुए थे, उस टाइम पे एक रॉयल फैमिली थी कैवेंडिश की। ठीक है जी, उनके ये बेटे को पढ़ाया करते थे, क्योंकि काफ़ी ये जहीन थे, फिलोसोफर थे, साइकोलॉजिस्ट थे, तो उनको ये पढ़ाते थे, रॉयल फैमिली से इनके ताल्लुकात थे, तो इनकी जो हायर स्टडीज़ थी उनको एक तरह से जो है वो सपोर्ट करते थी, ये रॉयल फैमिली थी जो जिसने इन्हें सपोर्ट किया था। और फिर जब इंग्लिश सिविल वॉर स्टार्ट हुई थी, सिविल वॉर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है कि ये वॉर होती है बिटवीन ऑर्गेनाइज ग्रुप विद इन द सेम स्टेट। ठीक है, जैसे डिफरेंट पार्टीज आप कह लो, जब एक मुल्क में डिफरेंट पार्टीज लड़ती हैं तो वो आपकी क्या हो जाती है, सिविल वॉर हो जाती है। ठीक है, तो जब इंग्लैंड में सिविल वॉर स्टार्ट हुई थी तो इनको जो है वो पहले तो उसमें पार्ट लेने के लिए फोर्स किया गया, लेकिन फिर उसके बाद इन्हें फ्रांस भिजवा दिया गया था, जहाँ पे इन्होंने रेने डिस्कार्टे और गैलीलियो के साथ जो है वो काम किया है और उनके काम को करीब तरीन देखा है। ठीक है, अब हम इनके काम देख लेते हैं कि इनके इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये थे मटेरियलिस्ट थिंकर।
ठीक है, आपने मेन मेन हेडिंग याद रखनी है कि ये किस हेडिंग के अंदर लाए करते हैं। ठीक है, हमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज मिलती हैं। आप भी एसोसिएशनिस्ट बने और एसोसिएट करके चीज़ों को याद करें तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अच्छा जी, मटेरियलिस्ट इंसान जो है वो वाला मटेरियलिस्ट नहीं है जो आजकल हम सुनते हैं कि ये तो बड़ा मटेरियलिस्ट हो गया पैसे के पीछे, वो चीज़ नहीं है। इन्होंने ये कहा था कि हर चीज़ जो है वो बनी हुई है मैटर से, मैटर की फॉर्म्स हैं, वो चीज़ें इख्तियार मतलब वो शेप्स इख्तियार करती है। इवन उनका कहना ये था कि इंसान जानवर हर चीज़ जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर हैं। मतलब इंसान ज़रा हाई टाइप ऑफ मैटर है, एनिमल थोड़ा लो होगा, और मतलब इस तरह करके उनका ये मानना था कि हर चीज़ मैटर से बनी हुई है, दैट इज़ मटेरियलिस्ट। ठीक है, ये नहीं आपने सोचना कि मटेरियल थिंकर थे तो कोई पैसे के पीछे थे, ऐसा नहीं है। अब इसको और टर्म में देखा जाता है, पर हम ये देखेंगे कि ये हॉब्स इज कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट मटीरियलिस्ट थिंकर, क्योंकि वो ये बिलीव करते थे कि हर चीज़ मैटर से बनती है और मैटर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म चेंज करता है। इंसान भी मैटर से बना है और हैवान भी मैटर से बने हैं। ठीक हो गया जी, सेकेंड हम इनका पॉइंट देखते हैं। अच्छा, इन्होंने ये कहा कि जो आदमी हैं और जो आदमी से मुराद इंसान है या जानवर हैं, वो मशीन्स हैं। ठीक है, काइंड ऑफ मशीन्स हैं, वो भी मशीन की तरह ही काम करती हैं। हम इनको हमने इससे पहले रेने डिस्कार्टे को पढ़ा है, उन्होंने भी इंसान को का मैकेनिकल व्यू दिया है कि इंसान भी मशीन की तरह है। ठीक है, ये सेकंड है थॉमस हॉब्स जिन्होंने कहा है कि इंसान जो है वो मशीन की तरह काम करता है। आप उसमें कोई इनपुट देते हैं, ठीक है, तो वो आपका कोई आउटपुट कोई आउटकम शो करता है, ठीक है, और वो प्रोसेसिंग करता है। तो वो आप उनका मानना ये था कि ये जो है वो काफ़ी हद तक ये एक मशीन से मिलता जुलता है, और जैसे हम मशीन के डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी कर सकते हैं, वैसे हम जो है वो इंसान के या हैवानों के जानवरों के मुख्तलिफ पार्ट्स को बड़ी अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। और इस आइडिया को जैसे हमने ऊपर बात की है कि वो मटेरियलिस्ट थिंकर थे या एसोसिएशनिस्ट थे, क्योंकि हम एक एक लफ्स एक एक टर्म इस थिंकिंग को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ कर लेते हैं, तो ये जो आइडिया है जिसमें हम सिमिलैरिटी फाइंड करते हैं बिटवीन मैन एंड मशीन, जो कि हमें रेने डिस्कार्टे ने भी दिया है, उसको हम कहते हैं मकैनिकल मटीरियलिज़म। ठीक है, ये आपने याद रखना है, आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि मकैनिकल मटीरियलिज़म क्या है, और ये भी पूछा जा सकता है कि हु इज़ इन द सपोर्ट ऑफ मैकेनिकल मटेरियलिज्म, तो ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना हो कि मैकेनिकल मटेरियलिज्म क्या होता है। अच्छा जी, थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि वो कहते हैं कि जो इमोशंस हैं ये मोशन ऑफ एक्सटर्नल स्टिम्यूलाई से आते हैं। ठीक है, अब हर किसी ने अपनी इमोशंस की अपनी जो है वो थ्योरी दी है, किसी ने कहा है कि जी इमोशंस तो फिजिकल होते हैं, किसी ने क्या बात की है, किसी ने क्या, मतलब आप इनको भी एक जगह पे नोट डाउन कर सकते हैं कि इमोशंस की क्या डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस किस किस ने दी हैं। ठीक है, जो कि पॉइंट जो पॉइंट सिमिलर हैं उनके बारे में आप इस तरह स्टडी कर सकते हैं। तो जो हॉब्स थे उनका ये मानना था कि इमोशंस जो है वो इंसान के अंदर से नहीं आते, बल्कि ये बाहर के एक्सटर्नल कोई स्टिम्यूलाई होता है, एक्सटर्नल कोई चेंजेस होते हैं जिनका हम पे इम्पेक्ट होता है, तो हम इमोशन दिखाते हैं। ठीक है, ये हॉब्स का मानना था। आगे हम देख लेते हैं जी, फोर्थ पॉइंट हमारे पास ये है कि इंसान के माइंड में मोशन होता है, कंटिन्यूस मोशन होता है। हमने पढ़ा है कि इनफ्लक्स ऑफ नॉलेज हो रहा होता है और कंटिन्यूसली इंसान थिंकिंग कर रहा होता है, तो इन्होंने उसी कॉन्सेप्ट को लेकर इन्होंने कहा है कि जब हमारे माइंड में क्योंकि कंटिन्यूस मोशन है तो उसी से हमारे जहन में थॉट्स बनते हैं। ठीक है, उससे हमारे जहन में थॉट्स आते हैं, और क्योंकि वो कंटिन्यूस फ्लो में हैं तो उनके दरमियान आपस में रिलेशन डेवलप होता है। ठीक है, उनके दरमियान रिलेशन डेवलप होता है और एक कनेक्शन बन जाता है। ये बेसिकली ये पॉइंट इनके एसोसिएशनिस्ट होने की जो है ना वो आप कह सकते हैं कि दिखा रहा है कि वो एसोसिएशनिस्ट हैं, क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि जी हम पहले एक फ़्लो में हमारे दिमाग में आइडियाज़ आते हैं और फिर हम उन आइडियाज़ को आपस में एसोसिएट करते हैं, और फिर इसी तरह हम उन चीज़ों को अपनी याददाश्त में बिठा लेते हैं, याद कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी कंटिग्विटी कंट्रास्ट, जैसे कि एरिस्टोटल ने हमें आइडिया दिया था। आगे चलते हैं जी, फिफ्थ पॉइंट क्या है
कि ये हैं एम्पिरिसिज्म के कायल, अरिस्टोटल से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इन्होंने एसोसिएशन वाली बात पे भी अरिस्टोटल से जो है वो इत्तफाक रख रहे हैं, क्योंकि हैं ही एसोसिएशनिस्ट। और दूसरा ये कि वो जो है वो ये भी कह रहे हैं कि आप एम्पिरिसिज्म पे गौर करें, बाहरी ऑब्जर्वेशन है जो उस पे गौर करें, इंट्रोस्पेक्शन जो है वो उसके हामी नहीं है ये। जो कि क्या होता है कि आप अपने आइडियाज़ को अपने अंदर ही तलाश करें, वो चीज़ नहीं। ये कहते हैं ऑब्जर्व करें, बाहर देखें, ऑब्जर्वेशन से चीज़ें सीखें। अच्छा, हॉब्स ने कहा है कि एसोसिएशन तीन तरीके से होती है। ठीक है, ये तीन चार पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको याद रह जाएंगे, एक दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, मैं इन्हें रिवाइज करूँगी, आपको हेल्प हो जाएगी। तीन चीज़ों से आप एसोसिएशन कर सकते हैं, ठीक है। अरिस्टोटल ने हमें क्या तीन चीज़ें बताई थी? कंट्रास्ट, कंटिगुटी और सिमिलैरिटी। ठीक है, ये हमें कहते हैं कि जी आप हैबिट्स, विशेस और रिपीटेशन की बेसिस पे आप एसोसिएशन कर सकते हैं। कैसे? हैबिट्स क्या हैं? हमारे दिमाग में जो आइडियाज आते हैं, जो चीज़ें चलती हैं, उसकी बेसिस पे हमारी हैबिट्स बनती हैं, उसकी बेसिस पे हमारी हैबिट्स बनती हैं। और फिर क्या होता है कि जी हम हमारी फिर उसके बाद हमारी हैबिट्स से हमारी ख्वाहिशात डेवलप होती हैं, विशेस डेवलप होती हैं। ठीक है, विशेस क्या हैं? हमारे आइडियाज़ और हमारी हैबिट्स का लिंकेज है बेसिकली। और जब हम इसी प्रोसेस में रिपीटेशन करते रहते हैं, तो हमारे आइडियाज़ ऑटोमेटिकली आपस में एसोसिएट होते रहते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमें दिया है थॉमस हॉब्स ने। मैं इसको एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेती हूँ। ठीक है, थॉमस हॉब्स आपको इसलिए भी याद रहेंगे कि आप ये याद रख सकते हैं कि हमें और किसी की फैमिली या किसी के बैकग्राउंड की इतनी डिटेल नहीं दी गई जितनी थॉमस हॉब्स की दी गई है, कि जी वो रॉयल फैमिली को पढ़ाते थे और किस किस तरह वो फ्रांस मूव हुए हैं। ठीक है, तो ये एक तो ये आपको पॉइंट याद रखने में हेल्प करेगा। फर्स्ट इनकी चीज़ क्या है कि ये मटीरियलिस्टिक थिंकर हैं। मटीरियलिस्ट से मुराद ये है कि ये बिलीव करते हैं कि हर चीज़ मैटर की डिफरेंट शेप से बनती है। सेकेंडली, इनका मानना ये है कि आपके पास जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी हो गई या एनिमल बॉडी हो गई, ये सिमिलैरिटी रखती है विद मशीन्स, जिस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है मैकेनिकल मटीरियलिज्म। थर्ड बात ये हो गई कि ये कहते हैं कि इमोशंस आते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई से। ठीक है, बाहरी बाहर कोई हरकत होती है जिसका हम कोई गुस्सा दिखाते हैं, कुछ करते हैं, तो बाहर किसी ने कोई हरकत की होती है। ठीक है, तो ये इमोशंस हमारे इस तरह आते हैं। उसके अलावा ये कहते हैं कि जी एसोसिएशनिस्ट हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि हमारे ब्रेन में आइडियाज़ कंटिन्यूस मोशन में होते हैं और उससे हमारे आइडियाज़ में एसोसिएशन पैदा हो जाती है। एम्पिरिसिज्म के कायल हैं, कहते हैं कि जी बाहरी दुनिया पर गौर करें। तीन चीज़ें एसोसिएशन पैदा करती हैं, इन्होंने ये कहा है, हैबिट, रेपिटेशन और विश। हैबिट हमारी आइडियाज़ हैं, ठीक है, हमारे आइडियाज़ के नतीजे में हमारी हैबिट्स होती हैं, हैबिट्स और विशेस के दरमियान एक लिंकेज क्रिएट होता है, और फिर उनकी रिपीटेशन से एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़ होती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। अब जल्दी से हम मूव करते हैं जॉन लॉक की तरफ। ठीक है, स्पेल इसको किया जाता है एज लॉक की, LOCKE, बट इट इज़ प्रोनाउंस एज जॉन लॉक। ठीक है, एसोसिएशनिस्ट हैं। जॉन लॉक का नाम हमने सुना है PSY 101 में। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उस पर भी लेक्चर्स बनाऊंगी। ही वॉज बॉर्न इन 1632 AD एंड डाइड इन 1704। ठीक है, ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म का इनको बेसिकली फाउंडर समझा जाता है। जॉन लॉक का हमें पता है, ये तो एक इनका फेमस कॉन्सेप्ट है जो इन्होंने दिया था तबूला रजा का। तबूला रजा, इनका मानना ये था कि इंसान जब पैदा होता है, बच्चा होता है, तो वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह आता है। उसके माइंड में कोई आइडियाज़ नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, ब्लैंक होता है। और फिर वो अपने इन्वायरमेंट से, अपने अपने रिश्तों से, अपनी चीज़ों से उस स्लेट को फिल करता जाता है, लोगों से सीखता है, और फिर वो उनको राइट डाउन करता है अपने माइंड में, और उस तरह उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होना स्टार्ट होती है। ठीक है, बेसिकली ये ऑब्जर्वेशनल ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, एम्पिरिसिज्म से ताल्लुक़ रख रहे हैं, कि कह रहे हैं कि बाहर की चीज़ें हम पर असर करती हैं, अंदर हमारे कुछ नहीं होता, हम ब्लैंक स्लेट की तरह होते हैं, और ना ही हम कुछ लेकर आते हैं पैदाइश से। मतलब इनहेरिटेंस वाले कॉन्सेप्ट को भी इनकार कर रहे हैं ये, और उसके अलावा इंट्रोस्पेक्शन को भी इनकार कर रहे हैं। कह रहे हैं एम्पिरिसिज्म पे बात रखें आप, और दूसरा ये कह रहे हैं कि इंसान जो है वो ब्लैंक स्लेट की तरह आता है, और फिर उसके बाद एम्पिरिसिज्म
करके वो स्लेट को भर देता है तबूला रसा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब वो उनका मानना ये है कि इंसान दो तरह से सीखता है, सेंसेशंस एंड रिफ्लेक्शंस। बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है एक्सटर्नल स्टिम्यूलाई वाला जो हमें थॉमस हॉब्स ने दिया है, कि हमें किसी भी किस्म की सेंसेशन आती है, हमारे रिफ्लेक्सेस हमें मैसेज देते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं और फिर हम रिएक्ट करते हैं। मतलब ये हो गया कि मैंने डाला आग में हाथ, ठीक है, मुझे आई सेंसेशन कि ये तो बड़ा गर्म है। ठीक है, खैर जब हाथ डालो आग में तो सेंसेशन नहीं आती, फिर बंदा जला हुआ बाहर आता है, लेकिन खैर इट्स एन एग्जाम्पल, आप उसको एग्जाम्पल की तरह लें। हमें सेंसेशन आई कि भाई ये तो गर्म है, ठीक है, अब हमारे रिफ्लेक्सेस ने फौरन 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 मैसेज कन्वे किया, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है थोड़ा, ठीक है, कि मैसेज कहाँ से गया, किसने, किस नर्व ने कैसे रिएक्ट किया, फलां फलां फलां, हमारे माइंड में फौरन टिंग घंटी बजी कि यार हाथ पीछे कर लो। ठीक है, तो हमने हाथ पीछे हटा लिया। अब ये सारा जो हमारा सेंसेशंस और रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है जिसके ज़रिए हमने काम किया है, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या आपको कहा था कि हम दो तरीके से सीखते हैं। अब जब हमने ये सेंसेशंस का और रिफ्लेक्शन का मामला हो गया तो अब ये हमारे माइंड में रह गया कि आग गर्म है, ठीक है, क्योंकि हमने उसको एक्सपीरियंस करके देख लिया है। ठीक है जी, अब इन्होंने भी वही बात किया। अब इनका जो इन्होंने जो बात की है कि सेंसेशन रिफ्लेक्शन से सीखते हैं, इनका भी यही कहना है कि हम जब सेंसेशन और रिफ्लेक्शन से सीखते हैं तो अब हमें ये पता है कि ये हमारे माइंड में हॉट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब क्योंकि हमें आग गर्म लगी है तो हमने जो है वो क्या किया है कि अपने माइंड में आइडियाज़ को एसोसिएट कर लिया है कि आग गर्म होती है। ठीक है, कुछ चीज़ें हमने अपनी एसोसिएशन की बेस पर सीख ली हैं, और जाहिर है जब जो एसोसिएशनिस्ट होते हैं वो ऑफ कोर्स वो यही कहते हैं कि आप जो है वो एम्पिरिसिज्म से सीखें। ठीक है, जो कि जॉन लॉक ने भी हमें यही कहा है कि आप एम्पिरिसिज्म से सीखें तभी आप आइडियाज़ एसोसिएट कर पाते हैं, बैठे बैठे दिमाग में ही सोचने से, इंट्रोस्पेक्शन करने से आप आइडियाज़ एसोसिएट नहीं कर पाते। तो खैर इन्होंने भी हमें यही कॉन्सेप्ट दिया और इसके साथ हमारा लेक्चर एंड हो गया। जॉन लॉक को हमने बहुत थोड़ा स्टडी किया है, इनके काम काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ये आपके लिए अच्छा है। ठीक है जी, हम जॉन लॉक को एक दफ़ा रिपीट कर देते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है तबूला रसा का, अ ब्लैंक स्लेट। उसके अलावा ये कहते हैं हम दो तरह से सीखते हैं, बाय सेंसेशन एंड रिफ्लेक्शन, और उसके बाद हम क्या करते हैं, एसोसिएशन। सेंसेशन रिफ्लेक्शन आ गए और फिर हमने एसोसिएट किया कि हाँ जी आग गर्म होती है। ठीक है, गर्म हमें पता था, आग हमें पता था, हमने एसोसिएट कर दिया जी आग गर्म है। ठीक हो गया जी, ये हो गया आपका एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट। उसके अलावा एम्पिरिसिज्म के कायल हैं, इंट्रोस्पेक्शन को पसंद नहीं करते, और एसोसिएशन के कायल तो ऑफकोर्स हैं क्योंकि हम इन्हें एसोसिएशनिस्ट में पढ़े हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।